Hi everyone, this side Rakesh. I'm the founder and CEO of Celebrity Face. And guys, 4 साल लग गए हमें दोबारा इंदौर में इवेंट करने के लिए. And finally we have restart Tushar Silawat with us. और ये Celebrity Face इंदौर का इवेंट इतने साल इसीलिए लग गए दोबारा करने because of COVID and all. And finally we restarted the events with the star itself जो कि इंदौर से belong करते हैं. 4 साल में इनकी भी जर्नी बहुत एकदम लो लेवल से एकदम टॉप लेवल पे आज की डेट में. तो तुषार ये बताओ, इंदौर आपके शहर में इवेंट हुआ, कैसा फील हुआ, कैसा लग रहा है ये बताइए. मस्त लगा. मैं तो चाहता हूँ कि हर एक सिटी में इवेंट हो, बट मेरा तो ड्रीम था इंदौर में करना है. एंड अभी मैं बहुत थोड़े टाइम बाद मेरे बर्थडे पे आई थिंक मैं एक पूरा मीटअप रखूंगा इंदौर में. फ्री मीटअप एक कहीं पे भी जैम पैक करेंगे पूरा खतरनाक वाला. अभी मैं मेरी बाइक लूंगा ना सुबह बाइक, तो उसकी डिलीवरी पे मीटअप रख देंगे मस्त. सो गाइस, तुषार ही लव्स बाइक एंड हमेशा शेयर करते रहते हैं मेरे को कि यार ये इतने लाख वाली लेने वाला हूँ. आई थिंक ये अब जो अपकमिंग इनकी बाइक है दैट इज समवेयर अराउंड 30 लाख की लेने वाले हैं. यो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है ये बताओ यार. मेन सारे बच्चों को तुम लोग पैसे दे रहे हो मेरे को तो. राकेश भाई मेरे को पैसे दे रहे हैं बहुत सारे. और एक तो चलो सेलिब्रिटी फेस से आपको पैसे मिलते हैं और आप कैसे ब्रांड्स काफी सारे ब्रांड्स अप्रोच करते हैं. डिपेंड करता है लक पे डिपेंड करता है. अभी जो ब्रांड है जिसको अप्रोच जिसको मेरी प्रोफाइल पसंद आ जाए तो वहाँ से हो जाता है सब कुछ. बाकी तो सब चल ही रहा है. YouTube वीडियो भी है. अभी मेरा YouTube चैनल हैक हो गया था तो उसमें कुछ 70-80 हज़ार रुपये पड़े थे एडसेंस के. तो उसने हैकर ने वो सब पैसे वैसे भी सब ट्रांसफर कर दिए, उड़ा दिए. तो गाइस YouTube अगर जो आप चैनल बना रहे हैं अपना नंबर मोबाइल सब सेव रखना. भाई सब सेव रखा था मैंने फिर भी हैक हो गया. तुषार जैसे इन्फ्लुएंसर का हैक हो सकता है तो आम आदमी का. हमने उसी की जिसने हैक करी थी उसी की ईमेल आईडी हमने हैक कर ली. वाह, उसका भी चैनल ले लिया साले. उस हैकर का तुषार ने हैक कर लिया. फाइनली उनका अकाउंट रीइंस्टेट हो चुका है, मिल गया वापस. तुषार ये जानना है कि जैसे हमने इंदौर में इवेंट किया आज बहुत मस्ती मजा आया सारे फैंस को. बहुत मजा आया आज तो. फन डे था बहुत. पूरे फैंस पूरे मध्य प्रदेश से आए थे. एक चीज ये पूछना था, फैंस ने तो बहुत मस्ती की. आपने रिसेंटली एक म्यूजिक वीडियो किया विद डीएमएफ के साथ. हाँ. तो कैसे एक्सपीरियंस था, कैसा कैसे किया, कैसे अप्रोच किया गया, कहाँ से आप इतने बड़े अगेन प्रोडक्शन में आ गए म्यूजिक वाले में. देसी म्यूजिक फैक्ट्री के साथ तो मैं 4-5 साल से काम कर ही रहा था, बट उनके वही सॉन्ग प्रमोशन भी एक रहता है कि आपको अगर अर्न करना है तो अगर कोई सॉन्ग रिलीज होता है अगर आपकी प्रोफाइल उनको सूट करती तो वो लोग आपको पे करते हैं. सो मैं उनके साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहा था. देन फिर उन्हीं की टीम में एक बंदा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. okay. उसने अप्रोच करा कि हमें आपके साथ म्यूज़िक वीडियो करनी yes. है. एंड मेरा तो प्लान पूरा फुल फाइनल था कि किसी बड़े लेबल के साथ ही करूँगा मैं yep. टी सीरीज ई सीरीज ऐसे कुछ के साथ ही करूँगा. तो टी सीरीज और जी म्यूज़िक के साथ भी आया था, बट वो लोग पैसे कम दे रहे थे. तो मैंने बोला पैसे क्यों कम लूँ, मैं पैसे भी ज़्यादा लूँगा और बड़े लेबल के साथ ही करूँगा तभी गाना करूँगा. फिर डीएमएफ ने ऑफर करा, फिर उन लोगों के सामने गाना करा और मेरा एक्सपीरियंस इतना मतलब अलग ही लेवल का था. मेरे को पूरी एक वैनिटी वैन वगैरह मिली मेरे नाम की. मेरे को बंदे लेने आ रहे हैं, एक बंदा मेरे पीछे आगे पीछे पूरा अम्ब्रेला लेके घूम रहा है कि मेरे को टैनिंग ना हो जाए. तो वो सारा एक्सपीरियंस अलग था बहुत ज़्यादा. और अभी मेरा एक और नया गाना आने वाला है, वो भी मैंने कर लिया, डील डन है हमारी. उसका शूट आई थिंक दिसंबर में होगा, नवंबर दिसंबर में. सो मनाली वगैरह में होगा जब थोड़ा सा वो बर्फ गिरेगी तो तब होगा मस्त. सो वो भी बहुत डोप सॉन्ग होने वाला है. ओके. सो गाइस ये है तुषार सिलावट इंदौर में. हम बैठे हुए हैं इंदौर में, इवेंट हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है. विजयनगर कॉलोनी के आसपास हम लोग विजयनगर में, हम लोग विजयनगर अभी इंदौर का सबसे पॉश एरिया विजयनगर ही है. तो गाइस पहले तुषार दिल्ली आते थे मोस्टली इवेंट्स के लिए, हमारे घर में फाइनली वी आर हियर इन हिज प्लेस. और आज पार्टी भी होने वाली है फ्रॉम तुषार साइड. आई थिंक वीडियो में बोल रहा तो होगी आज की पार्टी मेरे तरफ से पूरी टीम को. थैंक यू सो मच तुषार. तुषार ये बोलना चाहूंगा आपके दो फैंस हैं जो कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं कि उनको भी फायदा हो आपके आंसर्स के थ्रू. तो मैं मिलवाना चाहूंगा आपको उनसे, उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आगे हेल्प करिए उनको आगे बढ़ने के लिए. गाइस आगे वीडियो में बने रहिएगा, अब आने वाले हैं तुषार के दो फैन जो उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे. टिल देन सी यू.